आयुष सर्व समर्पक प्रभु निज आसमयानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस सस समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्ण कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे, आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। सुनि मरीच निसाचर को ही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फल बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मरीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कटुक संघारा, मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहिं देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों का सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भर कर दिया। तब सारे देवताओं और मुनि स्तुत करने लगे। तहां पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र परदाया, भगत हेत बहु कथा पुराना, कहे विप्र जत्तप प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख हो जाई, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझ कर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित देखते हैं। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि के विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, अमग मग खग मग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी, गौतम नारी साप बस उपले देह धरि धीर, चरण कमल रज सा चाहते कृपा करो रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके कमल चरणों की धूल चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन सुख नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख हुए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कहीं, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलदार भई। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों के मुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से
वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत भयभागनी बड़भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल या प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु चहु चीन्हा रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मै नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की हे ज्ञान से जानने वाले योग श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को दुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखो भरी लोचन हर भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरयाना पद कमल पराग रस अनुरागा मम मन मधुप करे अपाना। मुन ने जो मुझे साप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह कांती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत भर कर देखा। इसी आप दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरे एक विनती है कि हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती केवल वे ही चाहते हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेही पद सुरी सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीष धरी सोई पद पंकज जेही पूजत अज मम निज धर्यों कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन आवा सोबरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा पूजते हैं कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। मंगल भवन अमंगल हारी तब उस दशरथ अजुर बिहारी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते हैं भज छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय सिया राम जय जय सिया राम।